जुटे हुए हैं। आज भी उन्होंने लालसोट, भरतपुर, कामा और जम्वा रामगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। गहलोत ने जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने नोटबंदी, जीएसटी समेत कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने को लेकर बीजेपी सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने पति से थोड़ा पैसा छुपा कर रखती है ताकि वो पैसा बुरे समय में काम आए, लेकिन केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर वो रुपया भी छीन लिया। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। वहीं गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज महिलाएं प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। गहलोत ने बीजेपी सरकार को जुमलों की सरकार बताया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले केवल झूठ बोलकर माहौल बना रहे हैं। गहलोत ने आरएसएस को लेकर भी जमकर तंज कसे। 163 सीटें आपको मिली, आपने लापरवाही से शासन क्यों किया? परवाही की राजस्थान जनता में क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर तक करप्शन, गुंडागर्दी, चोरी, डकैतियां, बच्चियों के साथ रेप, ये मामूली बात हो गई। अगर शासन बोधा नहीं होता, मजबूत होता, तो अंकुश रहता, अंकुश रहता। घटना होती है, बलात्कार भी होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, अंकुश तो लगा रहे हैं। कम से कम उनको भय तो रहे, सरकार देख रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां भय मुक्त असमय तत्वों ने तांडव मचाया राजस्थान का।